एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर पैरालिसिस यानी लकवे का इलाज होता है। यहां पर हर साल हजारों लोग लकवे के रोग से मुक्त होकर जाते हैं। ये धाम नागौर जिले के कुचेरा कस्बे के पास है। अजमेर नागौर रोड पर ये गांव स्थित है। हम आपको बता दें कि लगभग 500 साल पहले एक संत हुए थे, चतुरदास जी। वो सिद्ध योगी थे। वो अपनी तपस्या से लोगों को रोग मुक्त करते थे। आज भी उनकी समाधि पर 7 फेरी लगाने से लकवा रोग जड़ से खत्म हो जाता है। नागौर जिले के अलावा पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं और रोग मुक्त होकर जाते हैं। हर साल बैसाख, भादवा और माघ महीने में पूरे महीने मेला लगता है। संत चतुरदास जी महाराज के मंदिर ग्राम बुटाटी में लकवे का इलाज करवाने देश भर से मरीज आते हैं। मंदिर में निःशुल्क रहने तथा खाने की व्यवस्था भी है। लोगों का मानना है कि मंदिर में परिक्रमा लगाने से बीमारी से राहत मिलती है। राजस्थान की धरती के इतिहास में चमत्कारी के अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं और आस्था रखने वालों के लिए आज भी अनेक चमत्कार के उदाहरण मिलते भी हैं, जिसके सामने विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। ऐसे ही उदाहरण नागौर के 40 किलोमीटर दूर ग्राम बुटाटी में देखने को मिलता है। लोगों को मानना है कि जहां चतुरदास जी महाराज के मंदिर में लकवे से पीड़ित मरीज की राहत मिलती है, वर्षों पहले हुई बीमारी का भी काफी हद तक इलाज होता है। यहां कोई पंडित महाराज या हकीम नहीं होता, ना ही कोई दवाई लगाकर इलाज किया जाता है। यहां मरीज के परिजन नियमित लगातार 7 मंदिर की परिक्रमा लगवाते हैं, हवन कुंड की विभूति लगाते हैं और बीमारी धीरे धीरे अपना प्रभाव कम कर देती है। शरीर के अंग जो हिलते डुलते नहीं हैं, वो धीरे धीरे काम करने लगते हैं। लकवे से पीड़ित जिस व्यक्ति की आवाज़ बंद हो जाती है, वो भी धीरे धीरे बोलने लगता है। यहाँ अनेक मरीज मिले जो डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद निराश हो गए थे, लेकिन उन मरीजों को यहाँ काफ़ी हद तक बीमारी में राहत मिली है। देश के विभिन्न प्रांतों से मरीज यहाँ आते हैं और यहाँ रहने व परिक्रमा देने के बाद लकवे की बीमारी में राहत मिलती है। मरीजों और उसके परिजनों के रहने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था होती है। दान में आने वाला रुपया मंदिर के विकास में लगाया जाता है। पूजा करने वाले पुजारी को ट्रस्ट द्वारा तनख्वाह मिलती है। मंदिर के आसपास फैले परिसर में सैकड़ों मरीज दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे पर आस्था की करुणा झलकती है। संत चतुरदास जी महाराज की कृपा का मुक्त कंठ प्रशंसा करते दिखाई देते हैं। ये मंदिर संत चतुरदास जी के इस मंदिर को बुटाटी का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। SPN 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।